वेलकम बैक टू चैनल सी एफ एन गोवा भाई। दोस्तों आज का व्लॉग जो हमारा रहने वाला है टायर फेंडर्स के ऊपर। हाँ, जैसे कि कई सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स मुझे आए, कई सारे वीडियोस में कमेंट आए जब मैंने टायर में अलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए कि भाई आपके टायर जो है गाड़ी से जो है बाहर निकल गए। जैसे कि मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा दिखाने के लिए, देखो भाई ये अपनी नॉर्मल साइज रहने वाला है कि टायर अपना जो है बाहर निकल रहा है। देखो तो ये अपना प्रोफाइल रहने वाला है, ये अपना टायर रहने वाला है, J7.5 रहने वाला है जो कि किससे इतना जो है ऑलमोस्ट बाहर है टायर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को जब आप चलाते हैं और जब गाड़ी के हद से ज़्यादा वेट हो, सपोज़ कि आपकी गाड़ी में चार बंदे बैठे हैं, तीन बंदे बैठे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है गाड़ी पीछे से जंप करते हुए टायर पर जो है फेंडर टच होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ परफेक्ट, एक बार आइए आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे अपने टायर पे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें पड़ी हुई है जो कि अपने फेंडर की है। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी इस टाइम पे उठवा ली थोड़ी सी, वो आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा प्रॉपरली। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जूम करके इसको दिखाएं, ये देख रहे हो भैया ये टायर की हालत ये होती है, ये देख रहे हो ये सारी टायर की। और पास से दिखाना एक बार, ये देख रहे हो ये लाइन्स दिखा दो एक बार जो निकल रहे हैं टायर की, ये देख रहे हो ये सारी लाइन्स पड़ी हुई है पूरी, देख रहे हो ये लाइन्स अलग से नजर आ रही है, ये भी पड़ी हुई है तो ये सारी यहाँ लग के हुई है। इस पे देखो ये सारी यहाँ लग के हुई है, ये जो गैप है ये गैप बेसिकली कम हो जाता है जब ज़्यादा लोग इसके अंदर बैठते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बार एग्जांपल के तौर पर बैठ रहा हूँ, लेकिन जबकि मैंने इस कार को जो है इस टाइम पर उठवा लिया, इसके लिए कार थोड़ी नीचे जाएगी, देखना भी आप देख पा रहे हो गाड़ी के अंदर वेट अभी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, मैं पूरा गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। सिचुएशन रहने वाली गाड़ी की अब जब मैंने गाड़ी में काम करवा लिया, अदरवाइज अगर आप प्लान करते हैं अपनी गाड़ी में जो है वाइट टायर आपको लगाने हैं, कई सारे बंदों को मुझे डीएम भी है कि भाई वाइट टायर लगवाने कैंसिल लगवाए कैसे लगवाए कैसे ना लगवाएं जो भी था वट एवर, पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट टायर गलती से ही मत लगवाना, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा टायर मत लगवाना। मेरा उस टाइम पर 7.5J रहने वाला है, इस चीज़ को बिल्कुल मत लगवाना, आप 7J लगवाना जो कि गाड़ी के आपके जो है फेंडर के अंदर है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बिकॉज कई बार होता है कि आप अपनी गाड़ी में दो लोग जाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपकी गाड़ी में तीन लोग आए या चार लोग आए तो ये फेंडर जो है पीछे टायर पर टच 110% होगा, जिसका कि हमने एक सॉल्यूशन भी निकाला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बैठ के दिखाया है, वो सॉल्यूशन के बाद है। तो पहले आप ये छोटी सी वीडियो एंजॉय करो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी गाड़ी में जो है क्या काम करवाया है जिससे कि ये अब ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि अपनी गाड़ी की यहाँ पर हालत बुरी है, देख रहे हो, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो जो लोग अपने टायर अगर जुपने बाहर करवाते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देख लो भाई ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है इनके, जब भी अगर आप अपने टायर को वाइट कराते हैं, देखिए मेरा कितना फायदा है, ये J7 रहने वाला है और दोनों तरफ से जो है इसकी पीछे से जो है लग रहा है, आगे से ठीक है, आगे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे जितना लोड होना था उतना लोड ऑलरेडी है, सो आई डोंट थिंक सो आगे जरूरत था क्योंकि आगे एक निशान तक नहीं, टचवुड अभी तक नहीं है, आगे होपफुली ना आऊँ तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें जो सारी दिक्कत आ रही है पीछे, जो गाड़ी में जब वेट होता है ना भाई तो ये गाड़ी नीचे दबती है, देख रहे हो बुरे हाल हो गए यहाँ पे तो टायर के, काफ़ी हद तक जो है डीप भी है काफ़ी, पता नहीं टायर की लाइफ कितनी जा अब इसके बाद, तो इसमें से गाड़ी के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शॉकर्स को थोड़ा सा उठवाएं अगर आपकी गाड़ी के टायर बाहर आते हैं। तो सजेशन यही दूंगा कि अगर आपको टायर अगर चौड़ा भी लगवाना है तो मेक श्योर जे उसका कम हो जिससे कि वो टायर गाड़ी से बाहर ना आए, अंदर अंदर है तो काफ़ी अच्छा लगेगा, डिसेंट भी लगेगा और सही भी लगेगा, ऐसे में अच्छा तो लगेगा, वो चॉइस आपकी, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बाहर करें, अगर आपकी गाड़ी फैमिली मेम्बर बैठेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको ऐसे करवाओ। टायर निकाल लिया है, ये अपना ड्रम रेड रहने वाला है, अभी जब स्प्रिंग देख रहे हैं यही यूजुअली यही स्प्रिंग है जो लोग चेंज करवाते हैं जो गाड़ी अपनी लो हो जाती है, तो बेसिकली इस स्प्रिंग के नीचे हम जो है रबड़ लगाने वाले हैं आज, जैसे कि गाड़ी थोड़ी जो है उठे ऊपर को और जो पीछे का टायर लगना बंद हो, अदरवाइज ये टायर ख़त्म हो जाएगा लग लग के। सजेशन मेरी तरफ से यही है कि कभी भी टायर को ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना करवाएं, J7 भी मत करवाओ, मतलब J अपना उतना रखना कि आपकी गाड़ी के टायर जो है अंदर रहे बाहर ना आए, अदरवाइज ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। अभी मैं एक गुटका डाल रहा हूँ, लेट्स सी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। सो भाई ये अपने गुटके रहने वाले हैं जो हमारे बेसिकली CNG गाड़ियों में लगते हैं, क्योंकि जब CNG गाड़ियाँ जब हम इसको ड्राइव करते हैं ना तो उसके सिलेंडर की वजह से इसका वेट काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, जिस वजह से हम इसको जो है इंस्टॉल करते हैं बेसिकली CNG वाली गाड़ियों में, तो आज हम उसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे कि उसमें वेट बढ़े या कोई भी बैठता है मेरी गाड़ी में तो एटलीस्ट गाड़ी नीचे ना दबे, ये गुटके कहते हैं इसको। एक और आता है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ
फिर मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए अपने भाई के ऊपर चैनल को, और ये इसको आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है, लेट्स सी। और सी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, वीडियो देखते रहिए, बताता हूँ सी कॉस्ट। गुटखा लगा दिया अपने स्प्रिंग से ऊपर, ताकि जो है अगर जंप भी करे तो गाड़ी एटलीस्ट टायर पर टच ना हो। ये अपनी स्प्रिंग लग रही है, जो उस टाइम पे आपने पूरी वीडियो देख ली, ये सारा काम मैंने करवाया सिर्फ 400-500 रुपए में। जो गुटके वो आते हैं वो 100-200 रुपए का एक सेट आता है, मतलब ये लगा लो 400 में आपको दोनों पेयर मिल जाएंगे। वो आप अपने जो है स्प्रिंग्स के जो ऊपर लगवा सकते हो, जिससे कि आपकी गाड़ी की जो जंपिंग है वो कहीं तक कम हो जाएगी। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा आप चौड़े टायर ना लगवाएं। चौड़े टायर ना लगवाने के रीज़न बहुत सारे हैं। देखो, टायर अगर आप चौड़ा करते हो गाड़ी का तो बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में बताऊँ, पर्सनली अगर जो मैंने फील किया टायर इंस्टॉल करने के अप्रॉक्सीमेट एक महीने या डेढ़ महीने बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे जो है मुझे कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे, पर मैंने सोचा था कि पहले मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँगा, उसके बाद आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा। अगर आप जाएंगे अपने गाड़ी में वाइट टायर डालना चाहते हो तो आपको सिर्फ मिलेगी वाइट टायर का, वो रहने वाली गाड़ी की लुक, वो जो कि कई गाड़ियों में नहीं आती है, कईयों में आती भी है नो डाउट, बट लुक आएगी। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अगर आप हाईवे पे ड्राइव करोगे गाड़ी को बहुत अच्छी ग्रिप फील होगी एज़ कम्पेयर टू कंपनी के स्टॉक टायर से। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कि रिकमेंड यही करूँगा कि चौड़े टायर ना लगवाएं, क्योंकि इसके फ़ायदे 2-3 ही हैं, लेकिन नुकसान की लिस्ट बहुत लंबी है। पहले नुकसान ये है कि आपका जो है फेंडर ऑलरेडी टच होता है, अपनी गाड़ी पर जो है कम लोगों का बिठाओगे, ऑब्वियसली बात है टायर भार है, ज़्यादा वेट पड़ेगा तो जो है वो टच होगी होगी। देखो मैं आपको एक मैकेनिज्म दिखाता हूँ, जो गाड़ी बनती है ना स्टॉक टायर आता है गाड़ी का, उसका एक रीज़न होता होगा कि वो स्टॉक टायर इतना पतला क्यों होता है। इधर आइए देखिए, जब हमारा फर्स्ट कंपनी का स्टॉक टायर हमको मिलता है तो उसके अंदर जगह होती है। देखो अंदर यहाँ पूरी जगह है, कम से कम काफ़ी जगह है। देखो ये जो अंदर का एरिया आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए दिया जाता है कि टायर में गाड़ी में अगर वेट पड़े ना तो ये जो एरिया ने कवर भी हो जाए ना, यहाँ ना लगे टायर, टायर अंदर चला जाए। तो अंदर जाने के लिए भी इतना गैप है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे आप देख पा रहे हो अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, ये टायर अब जो हो गया है चौड़ा, तो ये बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर जब टायर जब गाड़ी जंप लेगी ना तो टायर अंदर नहीं जाएगा, ये टायर बॉडी पे फेंडर पे ही जो है टच होगा ही होगा, जिसका कि सॉल्यूशन मैंने इस टाइम पे आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन ठीक है, ओके है, बट मैं इसको पूरी से सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी में 3 बंदे बिठाए हैं और 3 बंदों में भी गाड़ी कहीं ना कहीं टच हुई है हाईवे पे, जहाँ पे कि बहुत एक्सट्रीम जंप होता है। आपने देखे होंगे रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं कभी कभार, कई बार कर्व ऐसे होते हैं रोड पे, हालांकि गड्ढे नहीं होते सिर्फ कर्व इस तरीके से होते हैं, तो उसमें भी गाड़ी जंप करती तो वो भी पीछे जो है फेंडर पे टच करता। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखो चौड़े टायर अगर आप लगवाना चाहते हो 2-3 चीज़ें इसकी मैं नुकसान भी आपको बता दूँ, काफ़ी सारे मैं इसमें नुकसान ही बता रहा हूँ। एक नुकसान और ऐड करूँगा कि आपको जो है गड्ढे बहुत ज़्यादा फील होते हैं जब आप चौड़े टायर लगवाते हो अपनी गाड़ी में। नो डाउट कि आपको हाईवे बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, अगर आप नॉर्मल 80 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हो ना हाईवे पे तो आप 100 चलाओगे, इतनी अच्छी आपको इतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस जो है इसको मिलेगा ड्राइव करने। बट एट द सेम टाइम आप लोग गड्ढे भी बहुत ज़्यादा जो है फील करने पड़ेंगे। और अब मैं अगर बात करूँ गाड़ी के एवरेज की, हाँ कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि यार गाड़ी की एवरेज डाउन हो गई होगी। यार देखो मैंने तो एग्जॉस्ट भी लगा रखा है, बट स्टिल मेरी गाड़ी में इतना फर्क नहीं पड़ा, 19-20 का फ़र्क पड़ा हार्डली। और अगर जब हम अलॉय व्हील डालते हैं और उसके टायर हम हैवी डालते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी गाड़ी की एवरेज में फ़र्क डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता हार्डली, आपको 2-3 का फ़र्क जो आपको फेस करना पड़ सकता है, बाकी डिपेंड टू ड्राइविंग ही होता है। मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, चाहे आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट क्यों लगा हुआ, लेकिन अगर आप ड्राइव ठीक से करेंगे तो आपको एवरेज जो है मिल जाएगी। बात करें सॉल्यूशन की, जैसे मैंने अभी अपनी गाड़ी में आपको जो अभी मैंने आपको काम करके दिखाया है इस टाइम पे, तो भैया बेसिकली ये एक तरह का जुगाड़ है जो आप लोग अपनी गाड़ी पे जो है कर सकते हो, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो या नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ और है, तरह आपने अभी देखा हमने जो है स्प्रिंग के सबसे ऊपर रबर डाली है, उसी तरह एक चीज़ और आती है जो आप स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, इस चीज़ को भी जो है आप अपनी गाड़ी के जो है स्प्रिंग्स के बीच में डालते हैं। बेसिकली ये एक रबड़ का होता है जो कि आपकी स्प्रिंग्स को जो है बीच में बैठता है, बेसिकली जिससे जब गाड़ी आपकी जंप करेगी तो एक मैंडेटरी एक इतना गैप जो है आपके उसमें बना रहेगा जितना कि वो रबड़ लॉक कर देगा रिंग को। तो बेसिकली ये भी बहुत ईजी टू इंस्टॉल है, आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप परचेस करना चाहते हो दोनों में से कोई भी आइटम। बट अभी मैंने सिर्फ ये गुटके जो है ट्राई करे हैं, तो मैं उसी का आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है 2 बंदों में तो पहले ही मेरी गाड़ी टच नहीं हो रही थी, अब मैंने 3 बंदे बिठा रहा हूँ तो भी गाड़ी टच नहीं हो रही है। 4 लोगों में गाड़ी अगर मैं स्पीड में चलाऊँ और गड्ढे और स्पीड ब्रेकर में भी पागलों की तरह भगाते हुए चले जाऊँ तो ऑब्वियसली बात है 110% जो है गाड़ी
टच होगी ही होगी। तो भैया मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वाइट टायर अपनी गाड़ी पे तो बिल्कुल भी ना करें, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। इवन मैं भी प्लान कर रहा हूँ कुछ टाइम बाद शायद मैं भी अपने टायर्स जो चेंज करूँ। सो मैं ऐसा काम क्यों बताऊँ आप लोगों को कि कल को जो चीज़ मैं खुद चेंज करने वाला हूँ उस चीज़ मैं आपको क्यों बताऊँ। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप टायर उतना ही लें जो आपकी गाड़ी के टायर फेंडर के अंदर रहे, फेंडर के बाहर ना निकले। फेंडर के अंदर अंदर भी टायर आपको चौड़े मिल जाएंगे, आप जो शॉप पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा, जिस भी शॉप पे जाके आप काम करवाएंगे आप उनको बोलिए हमें टायर जो है चौड़ा चाहिए, बट फेंडर के अंदर चाहिए, फेंडर के बाहर नहीं चाहिए। फेंडर के बाहर रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक ठोको, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, और नए वाले भी लाइक ठोक ही देना। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी आपको फ्यूचर में और ब्लॉग्स के साथ। बाकी इससे अगर स्टिल कोई क्वेरीज आपकी बाकी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डीएम कर लो, वहाँ पे लाइव आके मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।